हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ देख रखा था, कंटिन्यू करते हैं उसी को आगे, करंट अफेयर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक कंटिन्यू करने पहले दीज आर आवर डिटेल्स, जो लोग नए हैं लोग हैं उनके लिए एक जरूरी ये नोट है कि इस टेलीग्राम की लिंक को आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लीजिए, यहीं से आपको सारे मटेरियल मिलते रहते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो रेज योर डाउट्स हियर और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सोल्यूशन मिल जाएगी। इसके अलावा दीज आर अदर डिटेल्स जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स रेज करने के लिए। दीज आर अवर कोर्स डिटेल जो हम लोग रन कर रहे होते हैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रिकॉग्निशन आईएएस पे, जहां पे प्रीलिम्स के भी कोर्सेज हैं, मेंस के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन गेट दिस प्लेलिस्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उन चीजों को देख सकते हैं और अपने हिसाब से उस चीज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज टू शेप योर प्रिपरेशन इन अ बेटर वे, और इस तरीके से हमारी अलग अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन ऑफ करंट अफेयर्स। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के साथ, और सबसे पहले हमारी एक मरीन स्पीसी आ जाती है जिसका नाम है इरावदी डॉल्फिन, और ये रिसेंटली अभी साइट की गई है उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चिल्का लेक के पास में। चिल्का लेक कहां पर है? ये उड़ीसा के बॉर्डर पे पड़ता है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ती है। हैबिटेट के बारे में बात करें, इट इज फाउंड इन ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होती है? ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं लगून वाटर। दिस इज लगून वाटर। लगून वाटर क्या होता है? वी विल टॉक इन ज्योग्राफी, हम लोग ज्योग्राफी में इसकी बात करेंगे लगून के बारे में। या आप ये कह सकते हैं दिस वाटर इज ट्रैप्ड वाटर, और जो ट्रैप्ड वाटर हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं लगून वाटर, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, बंगाल हो गया, फिलीपींस का एरिया हो गया। मेनली जो रिवर है वो रिवर है इरावदी रिवर हो गया, महाकम रिवर हो गया, और साथ में मिकोंग रिवर। ये सारे के सारे रिवर जो होते हैं साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कहने का मतलब क्या है कि सपोज दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर इंडिया, यहां पर मान लीजिए कि इंडिया का ही हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया। इस इंडिया के बाद में यहां पर हमारी कंट्री आती है, इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के बाद कंट्री आती है थाईलैंड। थाईलैंड को कई बार सियाम नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के बाद आती है लाओस, लाओस के बाद नीचे कंबोडिया, कंबोडिया के बाद फिर आपकी कंट्री आ जाती है, इसका नाम है वियतनाम। ये हो जाती है वियतनाम। वियतनाम के बाद दिस वियतनाम इज एस शेप का, इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पर हमारी आ जाती है मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, एंड उसके बाद से आ जाती है यहाँ पर फिलीपींस की आईलैंड है, दिस इज इंडोनेशिया का आईलैंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हम लोगों ने देखा। ओके, फिर इसके बाद से हमारी एक दूसरी स्पीसी है जिसका नाम है रेयर स्टेप ईगल। ये रिसेंटली जो है वो आंध्र प्रदेश में साइट की गई है, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। ईगल की संख्या लगातार हमारी कम होती आ रही है, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये ड्यूरिंग एशियन बर्ड सेंसस के दौरान में ये साइट की गई थी। अगर हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये रोमानिया ईस्ट एरिया में पाई जाती है। रोमानिया कहां पर है? रोमानिया आपको एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे मिलेगा, यूरोप एंड एशिया बॉर्डर। ठीक है, तो ये इलाके में मिल जाता है। तो साउथ रशियन के पार्ट में हो गए, सेंट्रल एशियन स्टेप्स पाए गए, मंगोलिया पाए गए। तो मतलब इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे कि इनके हैबिटेट, अगर मान लीजिए क्लाइमेट वाइज बात करेंगे, तो ये एरियाज कहाँ पे पाए जाते हैं? मेनली ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में, और जनरली ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। डेजर्ट एरिया जैसे मंगोलिया डेजर्ट वगैरह हो गया, तीन एरियाज में पाए जाते हैं। यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन बर्ड विंटर इन अफ्रीका एंड ईस्टर्न बर्ड्स इन इंडिया, ये सारे के सारे इसके हैबिटेट स्पीसी में आ जा रहे होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आईयूसीएन कैटेगरी क्या है, तो आईयूसीएन कैटेगरी इंडेंजर्ड होती है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में, और मैंने बोला था कि जितने भी स्पीसी जो स्टेट स्पीसी है, या कह लीजिए कि काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, या मान लीजिए कि आपको केवल गेस करना, आपको पता नहीं, आपको गेस करना है, आप इंडेंजर्ड पे क्लिक करिएगा, इंडेंजर्ड। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इंडेंजर्ड पे क्लिक करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चिल्का लेक के बारे में देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। चिल्का लेक मतलब क्या है? दिस इज एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक हो जाती है, जो कि दाया रिवर के पास में अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए हैं कि ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट है, दिस इज आवर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की यहां पर पाई जाती है, और इस इलाके में क्यों क्या बोलाता है? बे ऑफ बंगाल। तो दिस इज स्पेसिकली बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर यही बे ऑफ बंगाल, बंगाल में ये फ्लो कर जाती है। रिवर का नाम याद रखिएगा, यूपीएससी काफी ज्यादा इस पर मतलब अब फोकस कर रही है। द लेक इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड, मतलब एशिया में सबसे पहला हो गया और वर्ल्ड में सेकेंड नंबर का है, आफ्टर न्यू कैलिडोनिया बैरियर रीफ, न्यू कैलिडोनिया। आप लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यू कैलिडोनिया कहाँ पर है, इन विच कॉन्टिनेंट इट इज, कॉन्टिनेंट का नाम आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी मैप लोकेशन भी क्लियर हो जाएगी।
चिल्का लेक वॉज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ वेट लैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन 1981 नहीं एक्चुअली गलत छप गया यहाँ पे 1971 है ये, ठीक है। तो चिल्का लेक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है रामसार कन्वेंशन में, हालांकि चिल्का लेक को 1981 में इंक्लूड किया गया था बट रामसार कन्वेंशन 1971 हो जाती है, ठीक है। प्लैटिपस के बारे में बात करते हैं, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट स्पीसी, हम लोगों ने एक स्पीसी ये देखा, दूसरी स्पीसी ये देखा, तीसरा स्पीसी हमारा आ जाता है प्लैटिपस के बारे में। प्लैटिपस जो है एक बहुत ही कह लीजिए कि मतलब यूनिक स्पीसी है और मैमल कैटेगरी में आता है, दिस इज इन मैमल कैटेगरी, और अपने फैमिली का जैसे आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी में एक फैमिली होती है, उस फैमिली का ये एकमात्र जीव बचा है प्लैटिपस। ये मैमल है बट स्टिल ये क्या है, एग्स देता है, अंडे दे रहा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी डिवास्टेटिंग ड्रॉट एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर पुशिंग द डक बाइल्ड प्लैटिपस टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन, तो ये एक्सटिंक्शन के कगार पे चले गए हैं, ये भी अब अपने कह लीजिए कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। द प्लैटिपस इज सोल लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली जीन्स, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये जनरली वेटलैंड एरिया में पाया जाता है और मेनली पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के पास में, ये मेनली इस इलाके में पाया जाता है और इस इलाके में ये क्या है, इस इलाके में ये एक्सटिंक्ट है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है हमारे IUCN के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देखिए जो भी अलग है थोड़ा सा अलग टाइप का है, जैसे प्लैटिपस दिस इज नियर थ्रेटेंड, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा कि प्लैटिपस इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट स्पीसी के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट आता है हमारा IVF ऑफ राइनो, व्हाइट राइनोस के बारे में है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दो चीज है, एक तो राइनो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पहले हम लोग जरा डिस्कस करते हैं IVF के बारे में। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलिटी, ठीक है। एक तरीके की टेक्निक होती है टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, तो ये प्रोड्यूस करने के लिए, चाइल्ड प्रोड्यूस करने की टेक्निक होती है। जो भी कह लीजिए बायोलॉजिकल नेचुरल तरीके से अगर बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसके बाद से ये लैब टेक्निक्स होती है इन विट्रो फर्टिलिटी, इस तरीके से की जाती है, ह्यूमंस में की जाती है और साथ ही साथ जो होती है जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि एनिमल्स में भी की जा रही है। दिस इज वेरी रेयर और इसको मतलब एक्सट्रीमिस्ट केस में ही किया जाता है, एक्सट्रीमिस्ट केस होता है। नंबर थ्री कि इसमें जरूरी नहीं है, मतलब 100% ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मतलब सक्सेसफुल हो ही जाएगा, वेरी हाई चांसेस आर देयर कि ये फेल हो जाएगा, तो फेलियर के भी काफी ज्यादा चांस रहते हैं। बट दिस इज अननेचुरल एंड दैट इज वाई समटाइम्स आर बींग क्रिटिसाइज बाई द क्रिटिक्स, ठीक है। तो ये अननेचुरल प्रोसेस होती है और इस तरीके से ये काम किया जाता है। IVF में होता क्या है, इसमें क्या होती है कि मेल्स के सीमेन को लेकर के इसके बाद से फर्टिलाइजेशन किया जाता है इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है और फिर जो जायगोट डेवलप होता है इस जायगोट को फिर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड दैट इज हाउ चाइल्ड डेवलप देयर। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही होती है, इस तरीके से ये पूरी की पूरी IVF टेक्निक यूज की जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं IVF इज अ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ART भी इसको बोला जाता है। दिस इज अ ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड जेस्टेशन सरोगेसी। क्लियर हो गया सरोगेसी, हालांकि जो होता है हम लोग बात करेंगे बाद में, क्योंकि इसको लेकर के एक बिल क्या इनफैक्ट जो होती है लॉ आ रखी है, कानून आ रखा है, तो इसको भी लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी में भी IVF टेक्निक ही यूज की जाती है। IVF इज जनरली नॉट यूज्ड अंटिल लेस इन्वेसिव और एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैव फेल्ड और बीन डिटरमाइंड अनलाइकली टू वर्क, जैसा कि हम लोगों ने बात ही किया, बहुत ज्यादा इसको फोकस नहीं किया जाता है, मतलब ये लास्ट डिटेल लास्ट ही चीजें होती है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं राइनो के बारे में। राइनो दिस इज फाउंड वर्ल्ड वाइड ये पाया जाता है और जनरली तीन इलाकों में हम लोग ज्यादा इसको पाते हैं। जैसे एक इलाका होता है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होता है, अफ्रीकन रीजन में पाए जा रहे होते हैं, दूसरा होता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और तीसरी होती है जो पाई जाती है हमारी साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में। साउथ ईस्ट एशिया में जो पाया जाता है वो इंडोनेशिया में मेनली पाया जाता है, इंडोनेशिया में, और यहाँ पर जो पाया जाता है वो दो इलाके में, एक पाया जाता है जो जावा में होता है, इसको जावन राइनो बोला जाता है, और दूसरे होते हैं जो सुमात्रा में पाया जाता है जिसको सुमात्रन राइनो बोला जाता है, जैसे सुमात्रन राइनो। जो अफ्रीकन में होता है वो अगेन दो तरीके का होता है, एक होता है जिसको बोला जाता है नदन राइनो, और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है सदन राइनो। यहां पर जो राइनो पाए जाते हैं वो उसके दो सींग होते हैं, मतलब टू हॉर्न होते हैं। इंडिया के बारे में बात करें तो दिस इज वन हॉर्न, एक हॉर्न होता है। यहां पर देखिए जावा वाले के पास टू हॉर्न होता है और जबकि सुमात्रा वाले के पास वन हॉर्न होती है, मतलब इट इज मोर लाइकली टू इंडियन
और जो दूसरा वाला है जावा वाला, ये मोर लाइकली टू अफ्रीकन। इनफैक्ट हमें प्रॉपर्टीज भी सेम यही देखने को मिलती भी है। अगर बात करते हैं नॉर्दर्न राइनो के बारे में, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता है, ये पाया जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। और जो साउथ राइनो है ये नियर थ्रेटेंड राइनो है। क्लियर हो गया। अगर इंडियन के बारे में बात करें तो देखिए ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, दिस इज इन वल्नरेबल कैटेगरी। क्लियर हो गया। सिमिलरली जो जावा वाला है वो उसी तरीके से हमें क्या मिल जाता है, थ्रेटेंड सॉरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड मिल जाता है। और ये जो सुमात्रा वाला होता है ये यहां पर जरा ध्यान रखिएगा, दिस इज नियर थ्रेटेंड। क्लियर है। तो दिस इज ऑल डिटेल ऑफ आवर राइनो। राइनो के लिए हम लोगों ने अपना एक विजन 2020 भी चला रखा है, विजन राइनो 2020। यहां पर क्या है कि 2020 तक हम लोग संख्या बढ़ाने की बात करते हैं। बाकी इसके डिटेल के बारे में देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, इंडियन राइनो हैबिटेट जो होती है ये इसकी मेनली असम के एरिया में पाई जाती है, दिस इज मेनली इन असम। इसके अलावा बिहार और यूपी में भी ये पाया जा रहा होता है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जल्दापारा नेशनल पार्क हो गया, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ओरांग नेशनल पार्क हो गया, गोरुमारा दुधवा नेशनल पार्क हो गया। तो देखिए मेनली जो यहां तक है ये मेनली क्या है, असम तक के है। इसके बाद से हमारे यूपी वाला स्टार्ट हो जाता है, मानस असम में है, कतरनिया घाट अगेन यूपी में आ जाती है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम हम लोगों ने देखा। आईयूसीएन कैटेगरी ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है कि ये वल्नरेबल है, तो इसको आप लोग कृपया राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एक नया स्पीसी है, दिस इज न्यू स्पीसी। ये हम लोगों ने आईवीएफ ऑफ राइनो देखा और हम लोगों ने इसके बारे में जरा देखा। तो देखिए दूसरा नेक्स्ट स्पीसी आया हुआ है जिसका जो है स्नेक ईल। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका नाम जो है वो एक हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर साहब थे उनके नाम पे पड़ा है, अकितस कैलाश चंद्र राय, इनके नाम पे एक स्नेक ईल के बारे में पता चला है, जिसको कि डिस्कवर किया गया है उड़ीसा से। This is important. A new snake eel species residing in Bay of Bengal has been discovered from Estuarine Biological Research Center in Gopalpur in Odisha. Clear हो गया क्या चीज है? तो आप नाम से याद कर सकते हैं, O से B start हो रहा है, उड़ीसा पे ही ये खत्म हो रहा होगा। इसके अलावा naming जो होती है वो डॉक्टर कैलाश चंद्र राय के द्वारा की गई है, जो कि एनिमल टैक्सोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किए थे, बहुत ही अच्छा नाम इनका बना हुआ है, इनके बारे में ये देख सकते हैं हम लोग। तो दिस इज ऑल द थिंग इज, आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इससे आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि ऑकिथस कैलाश चंद्र राय इज अ न्यू स्पीसी, या पूछ देगा ये नाम दिया रहेगा, उसके बाद पूछ देगा कि ये क्या चीज है। तो आपसे कई सारे पूछ सकते हैं, स्नेक ईल है मतलब कोई मरीन स्पीसी है, या फिर एनिमल है, या फिर वायरस है, या फिर जो होता है किसी का नाम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक तो पूछ देगा, जहां पर आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये क्वेश्चन मतलब कि स्पीसी क्या है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन डिटेल के बारे में पूछा जाता है, डिटेल के बारे में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कहां पर पाया गया है, तो उड़ीसा में पाया गया है। जनरली क्वेश्चन यूपीएससी का ट्रेंड ये रहा है कि जब भी तरह के स्पीसी पाए मतलब पूछा जाएगा तो उड़ीसा का कोई कोई नेशनल पार्क या फिर कोई ना कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के जरूर क्वेश्चन पूछ देगा अगले स्टेटमेंट में। क्लियर हो गया। तो लेकिन ये वाली चीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि नाम वाम किसके नाम पर रखा गया है, नहीं, बट ये है कि स्पीसी कहां पर पाया गया है और स्पीसी क्या है, बस। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्पीसी आता है, नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स आती है वो आती है व्हाइट रस्ट डिसीज इन वीट। अब जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कि ये जो वीट की क्रॉप है, ये मान लीजिए वीट की क्रॉप है, तो आप लोगों ने देखा होगा पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, दिस इज येलोइश। येलोइश क्यों होना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर में ये वीट रस्ट डिसीज फैल जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है फैलता क्यों है, फैलता इसलिए है, फैलने से पहले जरा हम देख लेते हैं एक बार वीट की प्रोडक्शन क्या है। तो वीट का प्रोडक्शन एरिया जो पाया जाता है वो मेनली पाया जाता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हमारा पाया जाता है ईस्टर्न राजस्थान के इलाके में। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुई थी। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो गेहूं के लिए कंडीशन क्या है, गेहूं की कंडीशन एक तो राबी क्रॉप है, याद रखिएगा राबी क्रॉप है। दूसरी चीज इसके लिए जब ये इनिशियल स्टेज में मतलब जब सोइंग सीजन चल रहा होता है, जब इसको बोया जा रहा होता है, तो इसको हल्का कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है। कोल्ड मतलब कह लीजिए कि टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। प्लस जब ये अपने मतलब इनिशियल स्टेज में रहता है, शुरुआती दिनों में ही रहता है, तो हल्की इसको रेन चाहिए होती है, लाइट रेन चाहिए होती है, लाइट रेन। क्लियर हो गया क्या चीज है। फिर उसके बाद जब इसकी हार्वेस्ट सीजन हो रही होती है, तो हार्वेस्ट सीजन में इसको रिलेटिवली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं इस समय जो होती है वो मतलब वीट की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो कोल्ड टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है, या तो ये
मतलब इसका टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तब इस तरीके की रस्ट फैल जाती है वीट के अंदर में, लेकिन दिस इज नेचुरल थिंग, ये जो है नेचुरल तरीका है, यहां पर आपको अलग से पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप काउंटर बैलेंस कर लेता है। तो दिस इज हाउ द थिंग इज कि ये काउंटर बैलेंस कर ले रहा होता है। देखिए क्या है कि बहुत ज्यादा अननेचुरल नहीं होना चाहिए, अननेचुरल होने का रिजल्ट ही होता है क्या, दिस इज द थिंग जो अननेचुरल चीज है इस समय। हालांकि अभी इस पर रिसर्च होनी बाकी है, बट स्टिल मीडिया सोर्सेज के हिसाब से यही है कि दिस इज अ अननेचुरल थिंग। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन एरिया मैंने बता ही दिया है, चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे आती है इंडिया, इंडिया वीट में सेकंड नंबर पे आती है। अब जरा देख लेते हैं इसके डिटेल के बारे में क्या चीज है। तो रिसेंटली द डिटेक्शन ऑफ येलो रस्ट डिजीज इन वीट क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा हैज रेज एंग्जाइटी अमंग फार्मर अबाउट ड्रॉप इन यील्ड्स क्रॉप। तो मतलब ये एक छोटी सी कंटेक्स्ट है केवल कि क्या चीज है। तो येलो रस्ट डिजीज जो वीट में पाया जाता है उसका नाम होता है स्ट्राइप रस्ट ऑफ वीट, जो कि कॉज होता है किसके कारण से, फंगस कुकुनिया के कारण से। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन, तो फंगस की वजह से हो रहा होता है ये चीजें, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी वीट के बारे में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है हमारा 1t.org। 1t का मतलब है 1 trillion, 1 trillion का मतलब है पेड़ लगाना है, फॉरेस्ट लगाना है। अब रिसेंट में क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है जो डावोस में, इन्होंने क्या किया, एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है टू ग्रो एंड कंजर्व 1 trillion tea अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि क्या है कि इन्वायरमेंट की क्लीनलीनेस हो जाए, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए इन्होंने इस तरीके का स्टेप चला के रखा हुआ है। इन अ बिट टू रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज। अब रिसेंट में क्या है, सारे के सारे कंट्रीज जो होते हैं वो इंटरेस्ट शो किए ही किए हैं, इसमें यूएस ने भी इंटरेस्ट शो किया है कि हम भी करेंगे, हमको भी साथ लेके चलना। तो बस वही चीज है कि यूएस ने अनाउंस किया हुआ है टू ज्वाइन द 1 trillion इनिशिएटिव व्हिच वाज लॉन्च्ड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग इन 2020। क्लियर हो गया? तो आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा 1t.org किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी एंड फाइट विद क्लाइमेट चेंज। क्लियर? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन जाननी होती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स है टाइलर प्राइस के बारे में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस, कुछ यूपीएससी के द्वारा इन सब प्राइस के बारे में पूछा जाता है। तो टाइलर प्राइस किसके लिए, दिस इज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। किसको दिया गया है, पवन सुखदेव को दिया गया है। क्यों दिया गया है, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया स्टडी किया है और स्टडी में इन्होंने बताया है कि एनवायरनमेंट चेंज की वजह से इकोनॉमिक लॉस कैसे और कितने हो रहे हैं इसके बारे में बेसिकली बताया है। तो एनवायरनमेंट के कारण से इकोनॉमिक लॉस के बारे में इन्होंने बताया है, इस तरीके से इन्होंने स्टडी की है। ये जो टाइलर प्राइज है ये दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा और एस्टैब्लिश किया गया था 1973 से। इसको नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। तो दिस इज द डिटेल जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। इनफैक्ट ये नोबेल प्राइज वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बाकी देखिए डेटा वगैरह उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ डेटा आर देयर, जिसको की जो होता है मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट, जो करंट अफेयर्स है, दिस इज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज, या फिर कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के अलावा दिस इज बेसिकली ओजोन प्रोटेक्शन से थोड़े से बेसिक्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए वियना कन्वेंशन एक हमारा है, वियना कन्वेंशन या वियना प्रोटोकॉल आप बोल सकते हैं। दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, दिस इज रिलेटेड विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। यहां पर ओजोन को डिप्लीट होने से रोकने के लिए बताया गया है, लेकिन यहां पर सब्सटेंस नहीं बताया गया है कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिसके थ्रू ओजोन डिप्लीट होता है। तो लेकिन जो सब्सटेंस है वो क्लियर किया गया है किसके द्वारा, दिस इज क्लियर, दिस हैज बीन क्लियर्ड इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लियर किया गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट किगाली एग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस, किगाली एग्रीमेंट भी इसी से रिलेटेड है। तो हमको ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग जब इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये सारे के सारे एग्रीमेंट को फिर से देखेंगे। फिलहाल जो करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, अच्छा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आते कौन कौन से हैं, जैसे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिमिलरली एक होता है एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस इज ऑल्सो अ एनवायरमेंट डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसके अलावा SF6 भी होता है जो एनवायरमेंट डिप्लीटिंग सब्सटेंस होता है। करंट अफेयर्स यह है कि इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव द कंप्लीट फेज आउट ऑफ HCFC-141B। अब देखिए ये सब्सटेंस है क्या, इस सब्सटेंस को हम लोग फॉरेन से मंगाते थे, बाहर से मंगाते थे, और यूज किसके द्वारा किया जाता था, दिस हैज बीन यूज्ड बाय फोम इंडस्ट्री के द्वारा ये किया जाता था।
और कहा जाता है कि दिस इज द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल आफ्टर सीएफसी। अब देखिए फॉरेन जो फोम इंडस्ट्री वाले लोग हैं ये मंगा नहीं पाएंगे, तो यानी इनकी इंडस्ट्री खराब हो गई क्या? नहीं, इनकी इंडस्ट्री खराब नहीं हुई है, क्योंकि सरकार इनको अल्टरनेटिव केमिकल प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ इनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इनको जो भी लॉसेज वगैरह होने वाले हैं वो हटा दिए जाए, वो मतलब कि लॉसेज ना हो उसको कंपनसेट किया जा सके। तो दिस इज हाउ दिस करंट अफेयर्स इज। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ओजोन डिप्लीशन कौन कौन से हैं, कैसे हैं, और क्या इंडिया ने इसमें स्टेप लिया हुआ है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स आती है, वो आती है रामसार लिस्ट को लेकर के। रामसार लिस्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वेटलैंड के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है अपने पुराने क्लास में। फिलहाल जो करंट अफेयर्स है उसमें यह है कि 10 मोर साइट्स जो होती हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं रामसार लिस्ट में, और इस तरीके से जो पहले 27 हुआ करता था वो 10 और मिल करके अब टोटल हो गए 37 साइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन 100% बनना चाहिए इस बार के। अगर बात करते हैं कि न्यू साइट्स कौन कौन सी हैं, तो देखिए महाराष्ट्र में एक साइट है जिसका नाम है नंदूर महामेश्वर बर्ड सेंचुरी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। इसके अलावा देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क वगैरह भी यहाँ पर है, बट देखिए वो वेटलैंड नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नंदूर महामेश्वर बर्ड सेंचुरी। क्लियर हो गया। याद रखने के लिए याद रखिएगा महाराष्ट्र में नंदू रहता है, तो नंदू से आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में है। पंजाब में देखिए टोटल मतलब 3 रिजर्व्स पाए गए हैं, ये 3 वेटलैंड पाए गए हैं। 3 वेटलैंड रिजर्व्स कौन कौन से हैं? एक तो ब्यास हो गया कंजर्वेशन, यहाँ पे ब्यास रिवर है तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि ब्यास है। इसके अलावा देखिए केशवपुर मयानी कम्युनिटी रिजर्व है, तो मयानी के नाम से आप याद रख सकते हैं, ट्राइब है यहाँ पर पाई जा रही होती है। इसके अलावा देखिए नंगल नेशनल पार्क, तो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भाखड़ा नंगल से आप याद रख सकते हैं कि नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बेसिकली क्या है, इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। मायामी ट्राइब को याद रखना है आपको, बाकी दोनों तो आप बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के जो 6 वेटलैंड्स हैं वो यूपी के हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारे के सारे देख लीजिए, अब जैसे मैक्सिमम इसमें लखनऊ गोंडा इस इलाके के बेसिकली है, सारे मैनपुरी के हैं, कुछ है इसमें, तो आपको याद रखना है कि सारे मैक्सिमम जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं ईस्टर्न यूपी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि जितने साइट्स हैं वो कहाँ के हैं, तो ईस्टर्न यूपी के बेसिकली साइट्स हैं। नियरली क्या है, लखनऊ के पास के हैं, मैनपुरी के साइड के हैं, तो इस तरीके से जो होता है हमारे पास साइट्स आई हुई है, जिसमें एक है हमारा नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद है पार्वती अर्घा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, सरसई नवार लेक, फिर उसके बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी एंड सांदी बर्ड सेंचुरी। दीज आर द 6 वेटलैंड एरियाज जो कि हमें उत्तर प्रदेश में मिली है। सारा नाम याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी के बाद यूपीपीसीएस का भी एग्जाम आएगा, उसमें तो 100% इससे क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे कुछ और नामसार साइट्स हैं जो कि अलग अलग एरिया में इस तरीके से फैले हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना होता है। दीज आर 27 साइट्स, 10 साइट यहां से आ गई है, तो टोटल बन गई है कितनी, 37। क्लियर हो गया। हाईली इंपॉर्टेंट, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, याद ही रखना है आपको। आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है उसमें देखिए दिस इज रिलेटेड विद चीता, चीता से रिलेटेड है यहाँ पर। चीता में एक्चुअली हुआ क्या है कि देखिए चीता जो है दो तरीके के होते हैं। देखिए लॉयन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लॉयन इज समथिंग डिफरेंट, लॉयन अलग चीज होती है, चीता अलग होती है। चीता कैट फैमिली में आती है, ठीक है, चीता जो है वो कैट फैमिली में आती है, दो तरीके की होती है। एक होती है जो अफ्रीकन होती है, हालांकि हम लोगों ने लॉयन में भी अफ्रीकन देखा था, और यहाँ पर इंडियन भी होती है। इंडियन जो लॉयन के बारे में बात किया था वो हम लोगों ने गुजरात के गिर फॉरेस्ट के बारे में बात किया था, जबकि चीता ये मेनली पाया जाता है, मतलब ऐसे पाने को तो ऑल इंडिया पाया जाता है, बट मेनली पाया जाता है हिमालय के तलहटी में, मतलब कि हिमालय के फूट हिल्स में पाया जाता है, ये हिमालय के फूट हिल्स में। क्लियर हो गया। अब देखिए हुआ क्या है कि चीता की संख्या हमारे यहाँ तो बहुत कम है, बहुत कम होने के कारण से क्या हुआ है कि NTCA एक अथॉरिटी होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दिस इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि ये जो है मतलब टाइगर्स के प्रोटेक्शन ब्रीडिंग इनके काम के लिए, मतलब इनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही होती है। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि यार ऐसा है, हम लोग चीता को लाना चाहते हैं, हम लोग इनकी ब्रीडिंग करेंगे यहाँ पर, और ब्रीडिंग करके हम लोग देखेंगे अल्टीमेटली कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? सीधी सी बात है, आप ले आकर के टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने में जानवर अगर मर गया तो अगेन जो होती है पाप पड़ेगा, ये काम नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन रिसेंट में क्या किया है कि NTCA ने फिर सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि ऐसा है, हम एक साथ बहुत सारा नहीं लेके आएंगे, हम एक साथ एक दो चीता को लेकर के आएंगे, ब्रीडिंग करेंगे, ब्रीडिंग कराने के बाद हम चेक करेंगे क्या सर्वाइवल है कि नहीं है,
अगर सर्वाइवल होगा देन ओनली हम बाकी के चीता को लेकर के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये सही तरीका है, इस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी मेंटेन भी कर लेंगे और हमें पाप भी नहीं पड़ेगा, तो दोनों चीजें कर ली जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हैज लिफ्टेड इट्स 7 years स्टे, 7 साल इस तरीके के काम को लग गया, 7 साल स्टे लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस एशिया अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया इनटू इंडियन हैबिटेट ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। क्लियर हो गई पूरी कहानी क्या चीज है, तो दिस इज हाउ द थिंग इज। अब देखिए इसके बाद होता है कि अफ्रीकन चीता वुड बी ट्रांसलोकेटेड इन इंडिया, कहां से, नामीबिया से ये ट्रांसलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। एंड कहां रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे पालपुर पूनो सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां पर मैं कहूंगा। इस तरीके के क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे, इस बार भी हाई चांस है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की कि अफ्रीका चीता लेकर के आए जा रहे हैं तो वो कहां रखे जाएंगे, तो आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद होना चाहिए कि इस वाले सेंचुरी में रखा जा रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए थोड़े से डिटेल के बारे में बात किया जाए अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बारे में, तो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीतों को एक साथ जो होता है कंपेयर कर लिया गया है। आईयूसीएन कैटेगरी में अगर बात करें तो देखिए अफ्रीकन चीता काफी ज्यादा इनकी संख्या है, मतलब 6,000 to 7,000 संख्या है इनकी, और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन में। एशियाटिक चीता के बारे में बात करें तो देखिए वैसे ही इनकी संख्या कम हो गई है, तो संख्या इसको देखते हुए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स की अगर देखा जाए कन्वेंशन में, तो साइट्स में दोनों के दोनों ही अपेंडिक्स वन में रखे जाते हैं। इनफैक्ट दिस लिस्ट हैज बीन इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ये सब चीजें बताई गई हैं कि इनकी संख्या में भी लगातार पोचिंग वगैरह के कारण से इनकी संख्या में लगातार कम होते जा रही है, ठीक है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो देखिए 6,500 to 7,000 अफ्रीकन चीता प्रेजेंट है इन वाइल्ड, और जबकि यहां पर क्या है 40 to 50 केवल पाउंड है, और वो भी ईरान के एरियाज में, ओनली इन ईरान। क्लियर हो गया। अगर फिजिकल बनावट के बारे में बात करें तो ये काफी बड़े होते हैं और एशियाटिक चीते की जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन जो हमारे एशियाटिक चीते होते हैं ये थोड़े बिल्ली टाइप के दिखते हैं, मतलब इनका जो चेहरा होता है वो छोटा होता है और इनका चेहरा बड़ा होता है, बिगर इन साइज। दे आर स्मॉलर एंड पेलर देन द अफ्रीकन चीता, हैज मोर फर एंड स्मॉलर हेड, ये सब चीजें उतनी देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी चीजें, तो कंपैरिजन आपको याद रखना है क्या चीज है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स है एंड दिस इज रिलेटेड विद आर्कियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कह लीजिए कि माइक्रोस्कोप के सहारे देखा जाता है उसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और आर्किया क्या होता है, व्हाट इज आर्किया, इनफैक्ट जो होता है ज्योग्राफी में भी ये टर्म आप लोग पढ़ेंगे, आर्किया का लिटरल मीनिंग होता है पुराना, काफी ज्यादा पुराना, और जो किसी रॉक एडिक्ट के नीचे दब गया हो, किसी रॉक के नीचे दब गया हो और फिर उसके बाद से ये मिला हो, तो आर्किया बोला जाता है इसको। इनफैक्ट एक तरीके की रॉक होती है, इसी पूरे सिस्टम के बेसिस पर नाम रखा गया आर्कियन रॉक्स, उसका नाम रखा गया है आर्कियन रॉक्स। तो इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं कि दबा हुआ बहुत पुराना कोई आइटम होता है तो उसको हम लोग आर्किया बोलते हैं। तो रिसेंटली साइंटिस्ट एट द नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबायोलॉजी रिसोर्स अंडर नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस इन पुणे हैव रिपोर्टेड अ न्यू आर्कियन, ठीक है, न्यू आर्कियन को खोजा गया है, विच इज डिस्कवर्ड इन सांभर लेक इन राजस्थान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सांभर लेक इन राजस्थान, इस इलाके से खोजा गया है। जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि पहले जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट नहीं था तो यहां पर क्या था, दिस इज यूरेशियन, यूरेशियन सबकॉन्टिनेंट था कि नहीं, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट कह लेते हैं। अब क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो इस तरीके से थी वो आ रही थी, बीच में कौन था, टेथिस सी था, दिस वॉज टेथिस सी, जब यहां से दोनों अटैक हुआ तो टेथिस सी डाउन हो गई, डाउन होने के बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ, इस तरीके से माउंटेन बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, और इस माउंटेन बिल्डिंग का ही ये पार्ट है हमारा ये आर्कियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया क्या चीज है। इनफैक्ट यहाँ पर टेथिस सी के फॉर्मेट में सरस्वती रिवर पाई जाती थी जो कि विलुप्त हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ठीक है, क्या चीज है। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा, थोड़ी सी डिटेलिंग हम लोग कर लिए ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अब देखिए बाकी ये जो पुणे में जो हमारा सेंटर फॉर सेल साइंस है, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात किया था सावित्रीबाई फुले के बारे में, और वहीं पे मैंने बताया था कि जो मतलब फुल यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है उसका नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी रखा गया है, उसी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की ही ये सेंटर है, सेंटर फॉर सेल साइंस। क्लियर हो गया। हालांकि जो होता है, हम लोग कल एक और वीडियो देखेंगे, कल एक और क्लास देखेंगे, उस क्लास में मैं सारे के सारे जितने भी बॉडी, जितने इंस्टीट्यूट, जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है सबको मैं एक साथ एक जगह पर ही कर दूंगा, क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती है सब, यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया होता है।
चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आर्किया के बारे में देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिया गया कि ये सिंगुलर आर्कियन आर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना होता है, कि बहुत पुराने ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट थ्राइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, कोल्ड डेजर्ट, मतलब हर तरीके की चीजों की मार ये लोग सहे हुए हैं। दीज स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन गट। ये देखिए क्या है कि ह्यूमन के भी इंटेस्टाइन में मतलब कह लीजिए आंत में पाया जाता है एंड हैव अ पोटेंशियल रिलेशनशिप विद ह्यूमन हेल्थ। बढ़िया चीज है ये, मतलब क्या है कि आपके डाइजेशन वगैरह में भी हेल्प कर रहा होता है। दिस इज गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स। तो एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल भी बना रहा होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रांग हो रही होती है। और इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट मतलब एप्लीकेशन वगैरह एक्टिविटी वगैरह कर रहा होता है। तो ये इस तरीके से इसके डिटेल के बारे में है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसका नाम क्या है, पाया कहाँ से गया है और ह्यूमन के लिए हेल्थ से किस तरीके से ये रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ से कैसे रिलेटेड है। समझ में आ गया क्या चीज है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब हेल्थ रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है उनको फटाफट देख लेते हैं। जैसे रिसेंटली क्या है, एक सुपर फैब लैब बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, नाम पूरा सुनिएगा, फैब लैब नहीं सुपर फैब लैब बनाई गई है। सुपर फैब लैब जैसे क्या है, आप लोगों ने कई सारी मूवीज वगैरह देखी होगी, बहुत लोगों ने आयरन मैन देखी होगी। तो आयरन मैन देखे होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि जो मतलब एक्टर्स रहते हैं वो इस तरीके का टेबल रहता है और यहीं पर हाथों हाथ से ये लोग कुछ कुछ करते हैं और 3D पिक्चर बन जाता है। मतलब आप देखेंगे पूरा पूरा बिल्डिंग बन गई है, 3D बिल्डिंग बन गई है। इनफैक्ट जो है किसी भी मूवी में देखेंगे, फॉरेन मूवी में देखेंगे तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी कॉम्बिनेशन के सहारे क्या होता है, मान लीजिए 3D पिक्चर बनाई गई, 3D पिक्चर का मतलब 3D यहां पर कोई मॉडल बनाया गया। इस मॉडल को जैसे ही आप प्रिंट कर देंगे वैसे ही हूबहू आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये जो प्रिपरेशन जिस रूम में जिस लैब में हो रही होती है उसी को बोला जाता है क्या, सुपर फैब लैब। क्लैरिटी हो गई क्या चीज है। तो बेसिकली जो हमारे आयरन मैन है उनका जो भी रूम है वो एक फैब लैब के तरीके से, सुपर फैब लैब के तरीके से आप बोल सकते हैं उनको। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर फैब लैब ये खोला गया है कहां पर, केरल में खोला गया है। इससे पहले सारे के सारे जो लैब है वो मेनली यूएस में ही है और ये यूएस से बाहर पहला सुपर लैब फैब लैब खोला जा रहा है। और इसके कोलैबोरेशन में, किसके कोलैबोरेशन में, जो मतलब टॉप यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस, इसके द्वारा खोला जा रहा है इसके कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा देखिए एक विज्ञान आश्रम है एंड दिस इज फैब लैब, ठीक है, फैब लैब है, ये सुपर फैब लैब है और ये फैब लैब है विज्ञान आश्रम। तो इट इज द फर्स्ट फैब लैब टू बी ओपन इन इंडिया और ये एस्टैब्लिश की गई थी 2002 में एंड इट वाज आल्सो अ फैब लैब ओपन्ड आउटसाइड यूएस, पहली बार ये भी आउटसाइड यूएस MIT के द्वारा खोली गई थी। नेक्स्ट है फैब फाई क्या चीज होती है। ये जैसे क्या होती है, वाईफाई का नाम सुने होंगे, वाईफाई इंटरनेट के लिए होता है, लाइट फाइडेलिटी, वाईफाई लाइट के सहारे इंटरनेट चलाया जाता है, वैसे ही फैब फाई है। क्लियर हो गया। इट इज ऑल्सो अ वायरलेस नेटवर्क दैट इज बीइंग करंटली ओपेंड इन अफगानिस्तान, यूएस एंड केन्या। इट प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट फ्रॉम अ सेंट्रल प्रोवाइडर। तो ये भी एक तरीके का इंटरनेट प्रोवाइडर ही है। तो देखिए सारे के सारे अपने आप में एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत आराम से चीजें पूछी जा सकती हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए कुछ पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में है। व्हाट इज दिस पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी, देखिए ध्यान से फिर से सुनते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा रेलवेज वगैरह में कि यहां पर प्लास्टिक को या कोई भी मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को डंप करते हैं। डंप करके लोग करते क्या है, जलाते हैं क्या, नो, इसको यूज किया जाता है वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन में। वेस्ट टू एनर्जी, इस वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है। कैसे जनरेट की जाती है, इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेट की जाती है, पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी। यहां पर कई सारी चीजें, इक्विपमेंट वगैरह, कई सारे टर्म्स वगैरह हम लोग बात करेंगे अभी, यूज किए जाते हैं। तो यहां पर देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन्ड द, दिस इज इंपॉर्टेंट, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन्ड द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑफ रेलवे सेक्टर ऑफ इंडिया। इट इज द फोर्थ सच प्लांट इन द कंट्री, चौथा ऐसा प्लांट है। और बाकी के सारे प्लांट कौन से हैं, फर्स्ट जो प्लांट है वो बैंगलोर में ओपन किया गया था 2011 में इंफोसिस के द्वारा, सेकंड प्लांट ओपन किया गया है दिल्ली में 2014 में और तीसरा स्टार्ट किया गया था हिंडाल्को में 2019 में। वेयर इज इज हिंडाल्को, इट इज इन रेणुकूट मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, बनारस के पास में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने बात किया। तो एक है हमारा जो बैंगलोर में ओपन किया गया है,
दूसरा है हमारा जो दिल्ली में लगाया गया है, और तीसरा है जो यूपी में है, और चौथा है जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। दिस प्लांट विल कन्वर्ट वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द गार्बेज डिस्पोजल जो कार्बन पाउडर के फॉर्मेट में, और डीजल और गैस बेसिकली बनाया जाएगा। तो डीजल जो मतलब निकल के आएगा वो तो रेलवे जो होती है उसको सोल्ड कर देगी, उसको बेच देगी और पैसे वैसे कमा लेगी, लेकिन जो हमारा गैस और कार्बन पाउडर है उसको ईंट बनाने के काम में रखा जाएगा, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में काम में लिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि फ्लाई ऐश का नाम सुने होंगे, फ्लाई ऐश आर आल्सो बीइंग यूज्ड इन द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। द बेस्ट थिंग ऑफ द प्लांट इज दैट इट डज नॉट लीव एनी वेस्ट एट द एंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है, कुछ भी एंड में एंड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी अंत में वेस्ट नहीं बचता है, सारा का सारा यूज कर लिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी है, आपके एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा इसके बाद। नेक्स्ट जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, दिस इज रिलेटेड विद पल्स पोलियो। पल्स पोलियो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बचपन में सब लोग दो बूंद जिंदगी की पिए होंगे। दिस इज द हाईएस्ट मतलब कि सबसे लार्जेस्ट वाइड स्केल पे हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था, और इस तरीके से हम लोगों ने बहुत पहले ही पोलियो फ्री इंडिया बना रखा गया है। इंडिया लॉन्च द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 1995 में हम लोगों ने किया था, एंड आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पोलियो इराडिकेशन एडॉप्टेड बाई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1988, तो हम लोगों ने इस तरीके से पोलियो निकाला था। क्वेश्चन ये उठता है कि वॉट इज पोलियो, पोलियो क्या है, पोलियो इज अ वायरल डिसीज, ये एक वायरल डिसीज है, ठीक है। टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम कमिंग टू इंडिया, अब जिसे भी क्या है कि हम लोग जैसे वायरस फ्री हो तो गए हैं, पोलियो वायरस फ्री हो गए, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो केसेस है, जीरो केसेस का मतलब नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि देयर आर नो आइडेंट मतलब कोई भी ऐसा केस अब बचा नहीं है। केसेस कुछ कुछ रहते हैं बट उतना केस नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है, एक सर्टेन परसेंटेज होता है उसके ऊपर जब भी हो जाता है तो हम लोग पोलियो फ्री कह देते हैं। अब यहां पर जो है दो तरीके की हमारे इम्यूनिटी प्रोग्राम है, एक होती है जो ओपीवी जिसको बोला जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक होता है जो इंजेक्ट की जाती है आईपीवी के फॉर्मेट में होती है। तो दो तरीके से ये चीजें होती हैं, इसका यूज बेसिकली किया जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम कमिंग टू इंडिया द गवर्नमेंट हैज सिंस मार्च 2014 मेड अ ओरल पोलियो वैक्सीनेशन मैंडेटरी फॉर दोज ट्रेवलिंग बिटवीन इंडिया एंड पोलियो अफेक्टेड कंट्रीज। अब जैसे क्या है कि जो लोग भी पोलियो अफेक्टेड कंट्री में जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं, उन लोग को ये मतलब ओपीवी वैक्सीनेशन दिया जाता है, देन ओनली दे कैन कम टू इंडिया। तो ये सारी कंट्रीज है जहां पर अभी फिलहाल पोलियो है, अफगानिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इथियोपिया हो गया, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, छोड़ सकते हैं आप इसको। इंडिया कंप्लीटेड फुल 5 ईयर एज अ फ्री पोलियो नेशन 2016 में, तो मतलब काफी पहले ही हम लोग हालांकि जो होता है इसको हटा दिए थे। तो ये चीज है, हालांकि उतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, पोलियो वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो पोलियो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन में, कैसे होगा, इट स्प्रेड थ्रू फोकल ओरल रूट। तो ये बेसिकली क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गंदगी जो होती है उसके थ्रू ये ज्यादा तेजी से फैल रहे होते हैं। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर, इन सब तरीके से भी मतलब फैलता है, बट बहुत ज्यादा लेस कॉमन है, उतना ज्यादा नहीं इस तरीके से फैलता है, जनरली ये फैलता है वेस्ट प्रोडक्ट से। इसीलिए सैनिटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट बहुत ही तेजी से चला रही है, जैसे सैनिटेशन प्रोग्राम से क्योंकि देखिए नंबर ऑफ डिसीजेज आर देयर विच आर बींग स्प्रेड थ्रू दिस सैनिटेशन। क्यों, जैसे क्या है कि एक हो गया तो जैसे पोलियो के बारे में ही हम लोगों ने बातें कर ली हैं, इसके अलावा जितने भी मॉस्किटोज के कारण से होती है, तो मॉस्किटोज के कारण से जैसे हमारा मलेरिया हो गया या फिर चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारे के सारे इसी सैनिटेशन के कारण से ही फैलते हैं। इसके अलावा टाइफाइड वगैरह हो गया, ये सारा का सारा सैनिटेशन की ही प्रॉब्लम है, कंटेमिनेशन की ही प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया क्या चीज है, इसमें होता क्या है कि इंटेस्टाइन में ये पहुंचता है वायरस, वहां पर अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर लेता है और अल्टीमेटली पैरालाइज कर देता है, ठीक है। बाकी देयर इज नो क्योर फॉर पोलियो, इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन। अगर हो जाता है तो आप उसको बच नहीं सकते हैं, उसको लेकर के ही चलना पड़ेगा, लेकिन यह है कि इसका मतलब इम्यूनाइज करा सकते हैं, बच सकते हैं शुरुआती दिनों में ही। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स आती है, दिस इज रिलेटेड विद ज़ेनोबॉट्स। व्हाट इज दिस, अब जैसे देखिए ये हमारी मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर मान लीजिए कहीं कोई मेडिसिन पहुंचाना है, किसी स्पेशल एरिया में पहुंचाना है, जैसे क्या होता है मेडिसिन का भी, हम लोग मेडिसिन देते हैं लेकिन उसका कोई ना कोई एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब होता क्या है, कई बार क्या होता है मेडिसिन हम दे भी रहे होते हैं और जो हमारी डिजायर्ड जगह होती है, डिजायर्ड ऑर्गन होता है, वहां पर नहीं पहुंच पाती है।
तो उसके लिए एक तरीका स्टार्ट किया गया है जीनोबॉट के फॉर्मेट में। ये छोटा सा 1 मिलीमीटर से भी छोटा एक रोबोट है, दिस इज रोबोट, और बोल सकते हैं कि दिस इज बायोलॉजिकल रोबोट, बायोलॉजिकल रोबोट। इसको बनाया कैसे गया है, एक तो साइज इसकी हो गई, आप समझ गए हैं। अब बनाया कैसे गया है, इसको एक फ्रॉग है, एक मेढक है, और फ्रॉग की ही स्टेम सेल को लिया गया है, और स्टेम सेल से इसकी पूरी की पूरी बॉडी बना दी गई है। दिस इज बॉडी इज इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, क्यों इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसमें यूज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें स्टेम सेल का यूज क्यों किया गया है, ताकि अगर इन केस रप्चर होता है, या फिर मान लेते हैं कहीं से ये बॉट टूटता फूटता है, तो ये अपने आप को हील कर ले, तो हीलिंग पावर रहे, इसलिए यूज किया गया है स्टेम सेल। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब ये तो समझ में आ गया कि रोबोट वगैरह क्या है, फ्रॉग वगैरह से लिया गया। अब इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, ये काम क्या करेगा, जो डिजायर्ड जगह है उस जगह पर ले जाकर के दवाइयां वगैरह पहुंचा देगा। अगर मान लीजिए किसी जगह पर लोकेशन लेनी है, या मेडिसिन पहुंचाना है, या वहां पर कोई ऑर्गन जो होता है, या कोई सेल वगैरह, या कुछ भी अगर मान लीजिए कि गड़बड़ हुआ है, तो उसको सही करने की कोशिश की जा रही है इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे बॉडी में अगर इस तरीके का रोबोट पहुंच जाता है, क्या हमारे बॉडी को नुकसान नहीं है, तो देखिए नुकसान हमेशा होता है। दिस इज अननेचुरल, दिस इज अननेचुरल, एंड दैट इज वाई जितने भी क्रिटिक हैं वो यही बोल रहे हैं कि यार ये सब काम नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए फ्यूचर में इससे। लेकिन जो हमारे बाकी साइंटिस्ट हैं, जो लोग डेवलप किए हैं, वो ये कहे हैं कि भैया देखिए ये मैक्सिमम 10 साल तक ही सस्टेन कर सकता है, 10 साल के बाद जो होता है ये अपने आप ये डिग्रेड कर जाएगा, और डिग्रेड करके फिर ये वापस बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर कोई भी ऐसा कह लीजिए कि हार्म नहीं है बॉडी को, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए कौन जानता है, दोनों ही चीजें मतलब एग्जैक्टली ट्रू बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें इक्वली करेक्ट है। लेकिन अगेन जो होता है, इस तरीके की आइडियोलॉजी को लेकर के आप कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द डेवलपमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स, जो कुछ होगा देखा जाएगा आगे, फिर उसके लिए भी नए इक्विपमेंट्स वगैरह, नए सॉल्यूशन वगैरह निकाले जाएंगे, नई चीजें निकाली जाएंगी। तो दिस इज हाउ द जीनोबॉट इज। क्लियर हो गया क्या चीज है जीनोबॉट का मतलब। तो जीनोबॉट के बारे में साइंटिस्ट ऑफ यूएस हैव क्रिएटेड वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग मशीन्स। These are tiny robots built from the cell of African clawed frog that can move around their own. They have named millimeter wide robots xenobots after the species of aquatic frog found across sub-Saharan Africa from Nigeria and Sudan to South Africa, Xenopus levis. इसका स्पीसी का नाम है Xenopus levis। याद रखने की जरूरत है, सच नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी xenobot के बारे में समझ में आई गया होगा क्या चीज है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा एक डिसीज है, दिस इज बेसिकली अ डिसीज, एक बीमारी है जिसका नाम है हेमरेज स्पैटिसमिया। ये जनरली क्यों है कि जैसे गाय वगैरह हो गए, गाय बछड़े बफेलो, इन सब चीजों में, इन सब एनिमल्स में बेसिकली हो रहे हैं। तो एनिमल्स में ये बेसिकली हमें देखने को मिला है। तो अराउंड 40 बफेलोज हैव डाइड विद इन 4 डेज ड्यू टू सस्पेक्टेड सहाना डिसीज। इसी को बोला जाता है, सहाना डिसीज भी बोला जाता है। हाईली प्रोबेबल कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस का उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इस तरीके के डिसीज पर जरूर क्वेश्चन बन जाता है। कहां पर हुआ है, ये हुआ है अगेन उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ उड़ीसा में जरूर हुआ है। इसके अलावा देखिए केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग और सुने होंगे, क्या सुने होंगे, यहां पर होती है ब्रीडिंग। किस चीज की ब्रीडिंग होती है, आपको क्लू मैंने दे दिया है, नाउ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ब्रीडिंग किस चीज की जाती है। देखिए ये सब करंट अफेयर्स होते हैं, जो पुराने भी करंट अफेयर्स हैं, जो कि एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। आपको ये सारा का सारा लिंक रखना है, सारी चीजें याद रखनी है। तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बताइएगा क्या चीज हुई थी, किसी चीज की ब्रीडिंग होती है आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या चीज है, थोड़ा सा आप लोग भी खोजिए। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं हेमरेज स्पैटिसमिया के बारे में, इट इज अ सीवियर बैक्टीरियल डिसीज कॉज्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स। जैसे इस डिसीज का कोई इलाज नहीं है, तो इसी वजह से जो भी जानवर मर जाता है उसको क्या है, जमीन के अंदर में गाड़ दिया जाता है, और ऊपर से फिर मिट्टी की लेयर लगा दी जाती है, जिससे कि वायरस स्प्रेड ना करे। तो डिसीज इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, कंटेमिनेटेड क्लोथिंग इक्विपमेंट, एंड थ्रू इंजेस्टेशन एंड इनहेलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो इस तरीके से चीज होती है, इसीलिए इसको जमीन के अंदर में रख दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा आता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज रिलेटेड विद एजुकेशन। जो एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उनको जरा हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब देखिए इस करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स आता है हमारा ACER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019। और ये किया किसके द्वारा गया है, ये किया गया प्रथम एनजीओ के द्वारा।
देखिए जो एजुकेशन के लिए निकलती है वो दो लोगों के द्वारा निकलती है, एक जो गवर्नमेंट खुद कराती है इनका अपना डेटा होता है और दूसरी होती है जो एनजीओ कराती है। अब देखिए इसमें ज्यादा फुल प्रूफ तो मैं एनजीओ का ही कहूंगा क्योंकि गवर्नमेंट अपने डेटा को थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर करती है। तो फिलहाल प्रथम एनजीओ के बारे में बात करें तो देखिए इन्होंने क्या है, फैमिली से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, फैमिली से कॉन्टैक्ट किया, स्कूल वगैरह में जाकर के इन्होंने नहीं रिसर्च किया, इन्होंने फैमिली में जाकर के किया हुआ है। तो इनका डेटा ऑब्वियसली ज्यादा क्लियर आएगा, ज्यादा कह सकते हैं कि मतलब सही आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि इनकी फाइंडिंग्स क्या है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, की फाइंडिंग्स क्या है इनकी, क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो की फाइंडिंग्स पे अगर बात किया जाए तो देखिए ऐसा पाया गया, फर्स्ट की फाइंडिंग है कि गर्ल चाइल्ड आर मोर इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल। तो गर्ल चाइल्ड ज्यादा इनरोल हुई है कहां पर, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा देखने को मिला है। इनफैक्ट डेटा के रूप में अगर बोला जाए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो गर्ल चाइल्ड है उनकी संख्या मतलब उनका परसेंटेज पाया गया 39% और जो बॉय चाइल्ड है उनकी परसेंटेज पाई गई है मतलब हाई परसेंटेज पाई गई है 48%। बाकी के जितने भी परसेंटेज है वो क्या है फिर, वो क्या है, दीज आर इन डाउट, इन डाउट मतलब कि क्लियर नहीं है अभी, नॉट क्लियर, ठीक है, डेटा नॉट क्लियर। अब इसके बाद से होता क्या है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देख सकते हैं कि गर्ल का कम एनरोलमेंट है, बॉयज का ज्यादा एनरोलमेंट है। इसके बाद से क्या होता है कि मतलब क्लास वाइज आ जाते हैं, क्लास वाइज, और यहां पर सबसे पहले दिया गया वर्ड्स पढ़ने को, इंग्लिश के वर्ड्स दिए गए थे पढ़ने को, उसमें से केवल और केवल जो बच्चे थे टोटल बच्चों में 16% वो रीड कर सकते थे और 40% रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, मतलब ये देख पा रहे थे कि हाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या पढ़े हुए हैं, केवल 16 लोग बता पा रहे थे, 16% लोग। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो रीडिंग और रिकॉग्निशन वाली बात थी वो बच्चों में 41.5% पाई गई, मतलब कि यहाँ पर हाई परसेंटेज पाया गया कि हाँ यहाँ पर अच्छी मतलब पढ़ाई हो रही है। और वही गवर्नमेंट स्कूल में अगर बात करें तो इनका परसेंटेज पाया गया केवल और केवल 19%। तो यहाँ पर बच्चे ज्यादा अच्छा रीड या रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद से इनको मैथ की छोटी सी एडिशन करने को दी गई थी और इस एडिशन में जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो 47% बच्चे कर पाए और जो गवर्नमेंट स्कूल वाले थे वो केवल और केवल 28% ही केवल एडिशन कर पा रहे थे। तो यहां पर दिखाता है कि अभी गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी पुअर है और अभी भी क्या है कि जो फैमिली है, जो पेरेंट्स है, वो प्राइवेट स्कूलों में केवल और केवल बॉय चाइल्ड को ही भेजना चाह रहे हैं, बॉय चाइल्ड की ज्यादा संख्या है। This is how the thing is। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में वो ये पूछा सकता है कि प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट क्या है, मतलब किस चीज में काम कर रही होती है, तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा। दूसरा की फाइंडिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है बट उतना ज्यादा चांस नहीं है, दिस इज लेस लाइकली टू बी आस्क्ड, हालांकि ये मेंस का टॉपिक मेनली हो जाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, तो एनजीओ के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हमारा है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम। अब इसके बारे में पहले देख लेते हैं फिर मैं समझाता हूं उसमें है क्या। तो नीति आयोग रिलीज्ड इट्स फर्स्ट विजन फॉर नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा। इट विल होस्ट द लेटेस्ट डेटा सेट फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड प्रेजेंट देम कोहेरेंटली and provide tool for analytics and visualization. The first version of platform is expected to be launched 21 तक ये launch किया जा सकता है। और ये जो हमारा National Data and Analytics Program है, this will spearhead the standardization of format in which data is persisted across various sector। ये सब चीजें बताई गई हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज है, मतलब National Data and Analytics Program, ये तो यहाँ पर लिख दिया गया है information के तौर पे। अब समझने के लिए जरा देखिएगा, आप लोगों को मैं सारा मटेरियल देता हूं, मटेरियल के मैंने आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं, देखिएगा कैसे हो रहा है। तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं एंड देन यू मूव टू अ ड्राइव, आप एक गूगल ड्राइव की एक कह लीजिए कि लिंक पे पहुंचते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, एक सिस्टम पे पहुंचते हैं। इस लिंक को आप जब देखते हैं तो वहां पर लिखी होती है एक प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज, एक फोल्डर बना रहता है। इस फोल्डर को जब आप इन करते हैं तो वहां पर आपको डे वाइज, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, इस तरीके से आपको मटेरियल मिलते जाता है। अब क्या होता है कि आपको जिस भी दिन की चाहिए होती है उस दिन जाकर के आप फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, एंड दिस इज हाउ यू रिवाइज द थिंग्स। अगर मान लीजिए मैं क्या करता, प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज की जगह पे मैं खाली ड्राइव के लिंक देता और मैं फटाफट उसी में चीजों को केवल भर देता, उसमें मैं कोई कैटेगराइजेशन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, क्या आप ये आसानी से इतना कर पाते? आप क्या करते हैं, झुंझला के बैठ जाते हैं और कहते हैं यार पता नहीं क्या मास्टर ने डाला है यार, समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा पुल्टा यार क्या चीज है। उसके बाद यू स्टार्ट कॉलिंग टू योर फ्रेंड्स और उसके बाद से उनसे कहते हैं यार मटेरियल देखो तुम्हारे पास है, व्हाट्सएप करो मुझे, टेलीग्राम करो मुझे, तो आप ये करना शुरू कर देते। तो यहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाती है।
लेकिन मिसमैनेजमेंट को मैंने काफी अच्छा किया हुआ है, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट कर दिया गया है, मैनेजमेंट किया गया है तो आपको एक तरीके से दिख रहा है और आप आराम से एनालाइज करते हैं, निकाल लेते हैं। इसी मैनेजमेंट को किया जा रहा है इस नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम के थ्रू भी, जहां पर आपको जितनी इंफॉर्मेशन मार्केट में गवर्नमेंट वेबसाइट के द्वारा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवेलेबल है, उन सबको एक जगह पर डेमोक्रेटाइज एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप बेटर ऑडियंस ऑफ पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, इनोवेटर, डेटा साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, जितने सिटीजन है उन सबको ये अच्छे से डेटा मिल जाए, ताकि आप प्रॉपरली एनालाइज कर सके इस पूरे डेटा को। क्लियर हो गया क्या चीज है, समझ में आ गया पूरा नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम का मतलब क्या है, और ये जो खाली बैठी संस्था है जिसका नाम नीति आयोग है, ये संस्था कर रही होती है। क्लियर हो गया, खाली बैठे वाले लोग तो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा आता है एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन तो नहीं है, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। यहां पर सबसे पहले आती है गति पोर्टल। व्हाट इज दिस गति पोर्टल? गति पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के द्वारा, एक ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया गया है गति, और ये बेसिकली ओपन किया गया है एनएचएआई के द्वारा। करती क्या है, दिस पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड बाय एनएचएआई। करती क्या है ये, इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनएचएआई वेबसाइट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसेशनराइज कैन रेज एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड इशू ऑन द पोर्टल। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए जो भी इंप्लॉय, जो भी काम करने वाले या जो भी आउटसोर्स करने के दौरान में काम करने में लोग आए हुए हैं, उनको अगर कोई इशू होता है, कोई दिक्कत होती है, तो सीधे इस पोर्टल के थ्रू एनएचएआई के ऑफिसर्स से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि ईमेल लिखेंगे, उनको कहेंगे कि यार मुझे एक इशू हो गया है, मुझे इशू सॉल्व करना है। आपको मिलेगा प्रगति पोर्टल, मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको मिलेगी। आप सीधे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फिर उस तरह से सॉल्यूशन मिल जाएगा, उस तरह से आपका चीजें देख ली जाएंगी। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो ये पूरा का पूरा गति पोर्टल है, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे से रिलेटेड है, क्या चीज है, बस ये। नेक्स्ट आती है हमारी खारवार पोर्ट। खारवार पोर्ट जो होती है ये पाई गई है कर्नाटका में है। अब देखिए खारवार पोर्ट में क्या है, इसमें क्या हुआ है कि रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन एट खारवार पोर्ट अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। अब हुआ क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट एक हमारा है, सागरमाला प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया गया है कि जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उनको लिंक किया गया है, सो दैट बेटर तरीके से हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी कर सके। अब जब लिंक किया जाएगा तो कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया ही जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेंगे तो सीधी सी बात है एनवायरमेंटल लॉस होगा ही होगा। इस एनवायरमेंटल लॉस के कारण से हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में मैटर पहुंचता है, तुरंत इसको कहता है रोक दो सब कुछ, कुछ नहीं बनेगा। जहां पहुंचा, इंडिया के मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन यहां की एक ही सिस्टम में गड़बड़ है क्या, जितना काम हुआ है उतना काम, उतना पैसा खर्च वर्च सब कुछ हो गया, अब रोक दो। अरे रोक दोगे तो यार ये लॉस हो गया इतना, ये भी तो देखिए। तो खैर चलिए, दिस इज द थिंग। खारवार पोर्ट अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट, इट इज ऑल वेदर, ओनली ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट आउट ऑफ 10 माइनर पोर्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एकमात्र ये ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट है। जैसे आप लोग देखे होंगे नेचुरल पोर्ट हमारे जितने भी वेस्टर्न घाट के, वो सारे के सारे वेस्टर्न घाट के सारे जो पोर्ट्स हैं वो नेचुरल पोर्ट कहे जाते हैं। दीज आर ऑल नेचुरल पोर्ट, यहाँ पर आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। क्वेश्चन ये उठता है, कमेंट बॉक्स में करिएगा आप लोग आंसर, अगर आपको पता होगा कि नेचुरल पोर्ट क्यों वेस्टर्न घाट में ही क्यों है, व्हाई ऑल द नेचुरल पोर्ट्स आर देयर ऑन द वेस्टर्न घाट। ठीक है, इट इज ओनली ऑल वेदर पोर्ट, ये सब चीजें तो ठहरी, ठीक है आप लोग देख लिए। खारवार पोर्ट के बारे में क्वेश्चन केवल यही पूछा जा सकता है कि कहां पर है, तो आप बता देंगे कर्नाटका में है, नेचुरल पोर्ट है, यस नेचुरल पोर्ट है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल न्यूज। कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में है, जैसे एक है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अब जरा इसके बारे में देखते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, समेटना, चीजों को समेटना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं इंडिया, इंडिया में कोई बंदा है मर्डर कर दिया, एफआईआर हुआ हाई कोर्ट में या जो भी कोर्ट है वहां पर पेश किया गया, और वहां पर उसको फिर एक पेनाल्टी दे दी गई, सजा दे दी गई, कुछ मतलब इंप्रिजनमेंट या कुछ दे दिया गया। बंदे को मौका मिला, ये भाग गया, कहां भागा, नेपाल भाग गया, नेपाल में अपना एकदम हंसी खुशी जिंदगी जी रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई एफआईआर नहीं है और इस कंट्री के हिसाब से ये बंदा नीट एंड क्लीन है और इसी वजह से इसको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में तो इसको एक दिया गया था ना, इसको एक इंप्रिजनमेंट दे दी जा चुकी है, नेपाल वाले कह रहे हैं गड़बड़ है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर भी किसी को अगर इसी लॉ का पालन करवाना है तो उसके लिए नया कानून बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। क्लियर हो गया,
ये जनरली अभी फिलहाल न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट ने बोला था और इंडिया की गवर्नमेंट ने ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का कंसेप्ट अपने सीआरपीसी में लॉन्च कर दिया है और ये आती है सेक्शन 44 में आती है, सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति यूएई का या फिर इंडिया का, यूएई का या फिर इंडिया का कोई व्यक्ति अगर यूएई में कोई क्राइम करता है और इसके लिए अगर यूएई कोई पेनाल्टी अगर दे देता है, अगर व्यक्ति भाग करके इंडिया आ जाता है, चाहे वो यूएई का हो चाहे इंडिया का हो, अगर भाग करके इंडिया आ जाता है तो यूएई के व्यक्ति को तो फटाफट एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो इंडिया का व्यक्ति होगा उसको सिमिलर जितनी पेनाल्टी यहां पर दी गई है सेम वही पेनाल्टी यहां पर भी दी जाएगी और वही कैरेक्टर, वही नेचर, वही सब कुछ फॉलो किया जाएगा। दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब। क्लियर हो गया क्या चीज है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इश्यूड अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग यूएई टू बी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी अंडर सेक्शन 44A ऑफ सीआरपीसी 1908। क्लियर हो गया, सॉरी सीआरपीसी नहीं, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्लियर कर लीजिएगा, सिविल प्रोसीजर कोड है ये, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सीआरपीसी नहीं है, सीआरपीसी नहीं, सिविल प्रोसीजर कोड है, बाकी जितने भी कंसेप्ट देखे वो सेम है, वही चीज है। G77 क्या चीज है, G77 जैसे क्या है कि लोग अपने बेटर प्रोटेक्शन, बेटर डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज अपना एक ग्रुप बना देती है। G77 जो होता है वो डेवलपिंग नेशन का एक ग्रुप है और इसमें भी इंडिया भी एक पार्ट है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस G77 नेशन। अभी रिसेंट में क्या है, इसकी मीटिंग होने वाली है और वो गुयाना में होगी और ये जो होता है साउथ अमेरिका नेशन में, मतलब साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, तो ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट आप लोग देख लीजिए कि 1964 में हुआ था, हेडक्वार्टर कहां पे, यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पाया जाता है, मेंबर्स इसके 135 नेशन है, शुरुआती दिनों में ये 77 था, बढ़ करके अब 135 हो गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है करंट अफेयर्स रिलेटेड विद गंगा वोल्का डायलॉग। गंगा कहां पर है, इंडिया में, वोल्का कहां पर है, रशिया में, तो बेसिकली ये इंडिया रशिया डायलॉग है और ये जो डायलॉग है वो 2018 के समिट में बेसिकली डिजाइन किया गया था। इसका काम क्या है, इसका काम है देखिए, रिवर के बारे में बात किया ही गया है तो रिवर के बेसिकली क्या है, क्लीनिंग प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। इस इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के अलावा इकोनॉमिक टाइज तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी बारे में और बात की गई है। तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस गंगा वोल्गा डायलॉग। अब इसके बारे में देख लीजिए, गंगा डायलॉग टू बी हील्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया कहां पे होगी, न्यू दिल्ली में होगी, कंसेप्चुलाइज इन 2018, एनहांसिंग द स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप को बेसिकली क्या है, प्रमोट करने की बात कही जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स आता है और वो आता है ऑपरेशन वनीला। व्हाट इज दिस ऑपरेशन वनीला, वनीला आइसक्रीम। अब ये क्या है, तो देखिए ये मेडागास्कर में क्या हुआ है, मेडागास्कर में एक साइक्लोन आई हुई थी। इस साइक्लोन के बाद बहुत ज्यादा, भाई सीधी सी बात है, ह्यूमैनिटेरियन एक स्टेप तो देना ही पड़ेगा, मानवता का एक स्टेप देना ही पड़ेगा, क्योंकि साइक्लोन के बाद बहुत सारी तबाही मच जाती है। इस तबाही के बाद जो होता है, हम लोगों ने अपने INS एरावत को डी मतलब वहां पर भेज दिया है और हेल्प करने के लिए वहां पर भेज दिया है, मतलब बेसिकली। तो इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन वनीला इन सपोर्ट ऑफ नेशनल डिजास्टर इन फ्लड हिट एरिया ऑफ मेडागास्कर एंड डाइवर्टेड अ लार्ज एम्बिशियस शिप टू प्रोवाइड असिस्टेंस। और ये लार्ज एम्बिशियस शिप जो है वो है हमारी INS एरावत। INS एरावत जो होता है शार्दुल क्लास की सबमरीन है। मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें मैं सारे डिफेंस की जितने भी INS है या फिर जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जितनी शिप्स है और जितनी मिसाइल्स वगैरह है वो एक साथ में कर दूंगा, तो वहां पर आपको रिवीजन करने के लिए आसानी हो जाएगी, तो एक साथ भी हम लोग उसको देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज शार्दुल क्लास सबमरीन, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ क्लास सबमरीन, जैसे कलवारी क्लास हो गई, कलकत्ता क्लास हो गई, देयर आर नंबर ऑफ सबमरीन, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अलग से देख लेंगे। फिलहाल आप लोग ऑपरेशन वनीला के बारे में ध्यान रखिएगा क्या चीज है। नेक्स्ट आती है हमारी ओस्लो पीस अकॉर्ड। व्हाट इज दिस ओस्लो पीस अकॉर्ड। ओस्लो पहले कहां पे है, ओस्लो हमारा है कहां पर, नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। पीस अकॉर्ड का मतलब क्या है, जैसे क्या हुआ था कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतलब तलखी चलती है, बहुत ज्यादा टेंशन चलती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती है। अब इसमें अलग अलग एरिया हो जाते हैं, जैसे गाजा पट्टी हो गई, गाजा स्ट्रिप हो गई, देन देयर इज इजराइल, देन देयर इज फिलीपींस, तो इन एरियाज को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि फिलीपींस का एरिया पहले शुरू में पूरा हुआ करता था जो कि बाद में इसराइल के द्वारा कब्जा कर लिया गया आप कह सकते हैं, हालांकि बाद में जो होता है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी दे दी गई इन द फॉर्मेट ऑफ अ ज्यूज कंट्री दैट इज इसराइल, और इस तरीके से इसराइल का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर वेस्टर्न पैलेस्टीन एंड ईस्टर्न पैलेस्टीन दो तरीके का रीजियन निकल करके आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में होता क्या है कि जेरूसलम विच इज बोथ
बोथ इट इज हैविंग बोथ इंपॉर्टेंस, इस्लामिक एज वेल एज क्रिश्चियन दोनों इंपॉर्टेंस है, तो इसको क्या है छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, लेफ्ट अनडिसाइडेड। और यही सबसे बड़ा पीक इशू बना हमारे दोनों कंट्री के बीच का। अगर कोई चीज अनडिसाइड हो जाती है तो फिर वही मुद्दा बन जाता है लड़ने का, तो लड़ने का मुद्दा बन गया बेसिकली। तो फिलहाल आप लोग याद रखिएगा ओस्लो पीस अकॉर्ड, दिस इज रिलेटेड विद इजराइल एंड पैलेस्टीन। रिसेंट में क्या हुआ है, ओस्लो पीस अकॉर्ड की जो सीरीज है वो जो साइन की गई थी 1990 में, उसको अभी मानने से इनकार कर दिया है पैलेस्टीन ने। इनफैक्ट इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत ऊंची दीवार है, 6000 किलोमीटर की बहुत ऊंची दीवार है। मतलब 6000 किलोमीटर मतलब ऊंचाई नहीं है, दिस इज लंबाई, ठीक है, लेंथ में है। जैसे कि चाइना की अपनी चाइनीज वॉल है, उसी तरीके से इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में भी वॉल है। हालांकि इस वॉल को भी मतलब गिराने के बारे में बात हो रही है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। चलिए खैर, फिलहाल बात करते हैं सागर माथा संवाद के बारे में। तो सागर माथा इज बेसिकली टू बी कॉल्ड फॉर हिमालय, हिमालय के लिए कहा जाता है ये। और संवाद का मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली डायलॉग। अब हिमालय कहां पर है, नेपाल में। तो नेपाल ने बेसिकली क्या किया है, इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया अलॉन्ग विद सेवरल अदर हेड ऑफ नेशंस फॉर सागर माथा संवाद। तो बेसिकली क्या है कि आपस में ये कोलैबोरेशन और एक साथ मिल बात करके रहने के लिए एक डायलॉग बना रहे हैं जिसका नाम है सागर माथा संवाद। तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा सागर माथा संवाद इज रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद द नेपाल की एक फॉरेन पॉलिसी है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नेपाल की फॉरेन पॉलिसी। क्लियर हो गया क्या चीज है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स वगैरह के बारे में पूछा गया है। जैसे एक है जो इलेक्ट्रामा है, तो इलेक्ट्रामा का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिक प्लस क्रामा। तो ये यहां पर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये सब मिलकर के एक इलेक्ट्रामा एक एक्सपो टाइप का बना के रखे हैं। कहां पर, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में। This is a flagship showcase of electrical industry and platform to connect the world with Indian industry in respect to technology, new trend, innovation for future energy transition. इसमें क्या है, दुनिया भर की हर एक मिनिस्ट्री है, कौन कौन सी, जैसे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी हो गई, हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक है ही, मिनिस्ट्री ऑफ MSME हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज है ही। तो ये क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है इस तरह की चीजें। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, बट फिर भी जानते रहिए क्या चीज है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंडेक्स आता है दैट इज ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये निकाली जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, एंड इट इज बेसिकली हाउ अ चाइल्ड एक्सपीरियंस अ बेटर लाइफ इन अ फ्यूचर इन अ सोसाइटी। तो इस तरीके से जो चीज होती है उसको बोलते हैं ग्लोबल सोशलिटी मोबिलिटी इंडेक्स। सोसाइटी में किस तरीके से मूवमेंट करने पे कैसी लाइफ हो रही है उस बच्चे की, ये होता है ग्लोबल सोशलिटी मूवमेंट। इसमें पैरामीटर क्या क्या लिए जाते हैं, इसमें पैरामीटर लिए जाते हैं जैसे हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, वर्क हो गया, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन हो गई। तो ये वर्क मतलब वर्क अपॉर्चुनिटी, क्या आगे वर्क अपॉर्चुनिटी होने वाली है, तो ये चीज है। इसमें जो टॉप किया गया है वो स्वीडन के द्वारा किया गया है, नॉट इंपॉर्टेंट, स्किप कर सकते हैं। बस केवल आपको ये याद रखनी है कि कौन सी मतलब रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स होती है, और ये निकाली जाती है EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लुरलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज। इंडिया रिसेंट में क्या है कि 10 प्लेस नीचे गिर गया है और 51 पोजीशन पे चला गया है। और ये क्यों हुआ है, बिकॉज इंडिया में कहा जा रहा है कि सिविल लिबर्टी अब ज्यादा कुछ खास नहीं है, डिफेमेशन केसेस बहुत ज्यादा फाइल किए जा रहे हैं, तो इस वजह से डिफेमेशन हो गया, या फिर हो गया आपका जो देशद्रोह का केस हो जाता है, तो ये सारे के सारे जो केसेस होते हैं ये इसकी वजह से सिविल लिबर्टी उतनी ज्यादा नहीं रह गई है, एंड दैट इज हाउ इंडिया जो होता है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में पीछे रह गया है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी हमारे इंडेक्स हैं, जैसे एक हो गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ऐसा बोला जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, इंडिया में 78 से 80th रैंक पर चली गई है, दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। सेकंड जो हमारी लिस्ट है दैट इज इंडेक्स जो है वो है हमारी ग्लोबल टैलेंट कंपिटिटिवनेस इंडेक्स, एंड दिस इज बीइंग रिलीज्ड बाय इनसीड। इनसीड के द्वारा निकाला जाता है, वीपो भी होती है हालांकि इसमें, लेकिन खैर इनसीड ही है। इट इज एन एनुअल बेंचमार्किंग रिपोर्ट दैट मेजर एंड रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ग्रो, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। इंडिया क्लाइम्ब 8th पोजीशन टू रीच 72। मतलब इंडिया जो होता है ग्लोबल टैलेंट में अब 8 पोजीशन से ऊपर पहुंच गया है, और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस निकल के आया है। तो दिस इज हाउ दिस थिंग इज, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और हमारी करंट अफेयर्स है, और ये करंट अफेयर्स है जैसे EAO से रिलेटेड, ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या है, ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जो एशिया के मतलब ईस्ट एशियन है, और यहां पर इंडिया फिलहाल मेंबर नहीं है। इंडिया अभी कोशिश कर रहा है इसमें मेंबर बनने की, इसमें चाइना हो गया, ताइवान हो गया, ये सारे कंट्रीज जो होते हैं वो इसके मेंबर हैं। होता क्या है यहां पर, यहां पर होता है ऑब्जर्वेटरी मतलब बेसिकली टेलीस्कोप डेवलप किए जाते हैं,
इंडिया अगर इसमें घुस जाता है तो क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मौका मिलेगा, कंट्रीज के साथ आपस में टेक्नोलॉजी शेयरिंग वगैरह होगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा, कंट्रीज के बीच में जितने दिक्कत वगैरह है वो भी सब दूर होंगे, तो काफी अच्छा एक इनिशिएटिव होता है। तो इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाई EACOA, ईस्ट एशियन कोर ऑब्जर्वेटरी एसोसिएशन, फॉर द पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग ज्वाइंट प्रोजेक्ट इन एस्ट्रोनॉमी विद एशियन ईस्ट एशियन रीजन। द इंटेंशन इज टू बिल्ड एंड ऑपरेट फैसिलिटी विच विल एनहेंस एंड लिवरेज एग्जिस्टिंग एंड प्लांट रीजनल फैसिलिटी। तो बेसिकली क्या है, टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पर है, टेलीस्कोप जो होता है वो डेवलप किया जाएगा। और ये बेसिकली EAO क्या है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट हवाई कॉर्पोरेशन। हवाई कहां पर है, हवाई पाया जाता है यूएसए के पास में, यूएसए के हवाई आईलैंड्स है, ठीक है। तो हैविंग इंडिया ज्वाइन द ग्रुप कुड मीन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ टेलीस्कोप, नया काइंड ऑफ टेलीस्कोप बनाएंगे, वन प्रपोज्ड बीइंग इज टेबर दैट कुड एड द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू ब्लैक होल्स एंड थ्रो लाइट ऑन कॉस्मिक फिनोमेना। तो कॉस्मिक फिनोमेना वगैरह बारे में, सूर्य के बारे में रिसर्च वगैरह करेंगे, ऐसा बोला गया है इस ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है वो है सर्विस स्कीम के बारे में। व्हाट इज दिस सर्विस स्कीम, ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सहारे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज लॉन्च द वॉलंटियर सेल एम्प्लॉय रेंडरिंग वॉलंटियरिंग एंड इनिशिएटिव फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट। दिस पूरे का नाम लेकर के देखेंगे तो इसको बुलाता है सर्विस, मतलब सर्विस स्कीम। इसमें हो क्या रहा है, दे विल प्रमोट वॉलंटरी फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी। तो कुछ पुण्य का काम करेंगे बाय दिस एम्प्लॉयज, और ये सारे के सारे सेल सर्विस के नाम पर भी पोर्टल बना करके बाकी चीजों को कर रहे होंगे। इट विल इनेबल फास्टर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आम जनता के, जैसे इसका अगर जिस्ट में बात करूं तो इसका जिस्ट ये है कि सेल के जितने इंप्लॉयज हैं ये बेसिकली जो आम पब्लिक है, नॉर्मल जनता है, उनके फेवर, उनके पुण्य, उनके मतलब कह लीजिए कन्वीनियंस को सोच करके तब कुछ काम कर रहे होंगे, और ये पूरा का पूरा किया गया है इस सर्विस स्कीम के तहत। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपसे केवल यही पूछेगा कि सर्विस स्कीम कहाँ की है, उतना कुछ खास है भी नहीं, तो स्किप भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है व्योममित्रा के बारे में। व्योममित्रा मतलब क्या है, व्योममित्रा एक तरीके से समझ लीजिए एलेक्सा है, एलेक्सा, बस एलेक्सा जो है वो केवल और केवल क्या होती है, एक जैसे डिवाइस टाइप का है ना। तो यहां पर क्या है, दिस हैज अ बॉडी, अ बॉडी में केवल और केवल टॉर्सो है, मतलब केवल और केवल इतना है, दिस इज अप, ये इतना, लोअर बॉडी नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये जैसे एलेक्सा क्या करती है, इंफॉर्मेशन दे रही होती है, सिमिलरली व्योममित्रा भी है। इसरो में एक मतलब अनवील्ड इज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट दैट इज नेम व्योममित्रा, बेसिकली एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, हु विल राइड टू स्पेस इन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। गगनयान के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 2022 में हम लोग भेजने वाले हैं, फर्स्ट हमारा ह्यूमन मिशन है ये, और उसके लिए हम लोगों ने चल्ला खेरे वगैरह भी डिस्कस किया हुआ था अपने लास्ट क्लास में, उसके लिए व्योममित्रा भी तैयार किया गया है कि चलो ठीक है, कल को अगर मतलब कि कोई दिक्कत होगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये काम कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो होता है ये डिस्कस किया हुआ है ये सारे के बारे में, बस यहां पर आप लोग एक नया करंट अफेयर्स ऐड कर लीजिएगा। ये अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी याराबूबा इम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज द ओल्डेस्ट नोन एस्ट्रॉइड सेंटर ऑन अर्थ। और ये है हमारी याराबूबा, जो ये इम्पैक्ट स्ट्रक्चर याराबूबा जो सेंटर है, ये याराबूबा सेंटर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप इसको यही इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही जो हम लोगों ने बात किया था ना कि सिलिकॉन कार्बाइड की सबसे पुरानी वाली प्री सोलर एरा की जो मीटियोराइट है वो भी पाई गई थी, उसी तरीके से याराबूबा इंपैक्ट जो होता है यहीं पर पाया गया है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना हम लोगों को देखने को मिलती है, इनफैक्ट यहां पर हर मतलब मंथली बेसिस पे यूएफओ वगैरह देखने को मिलते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये सब देखने को मिलते हैं। और ऐसा कुछ खास है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा क्या चीज है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द करंट अफेयर्स इज, काफी हद तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो और हम लोग देखेंगे, दैट इज रिलेटेड विद द कल्चर, कल्चर के हम लोग देखेंगे, और इस तरीके से हमारा ये करंट अफेयर्स का जनवरी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होता है टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करिए, डाउट है तो डाउट रेज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।